न्यूज हैदराबाद। गोलकुंडा पीएस हुदूद में 15 जुलाई 2019 को मोहम्मद अतीक का मर्डर हुआ था, जिससे पुलिस एक केस रजिस्टर करके इंक्वायरी के बाद पता चला उस रात दो लोग मोहम्मद अतीक सैयद फहीम ने एमडी लाइंस पहाड़ के पास शराब पीने के लिए गए थे। उस दौरान दोनों के बीच बहस में सैयद फहीम ने अतीक पर हमला करके फरार हो गया। सैयद फहीम को गोलकुंडा पुलिस ने अरेस्ट करके अदालत को भेज दिया गया। रिपोर्टर मोहम्मद जमील के साथ मैं मोहम्मद दस्तगीर, टीएसएन न्यूज हैदराबाद। 15 तारीख जुलाई 2019 में मोहम्मद अतीक, एमडी लेंस, सैयद फहीम, मोती दरवाजा दोनों मिलके वो रात में पीने के लिए ये पहाड़ को गया। मोती दरवाजे के बाद में है पहाड़ आए, पहाड़ के ऊपर चले गए। ये मोहम्मद अतीक गाड़ी लेके गया, सैयद फहीम गंजा लेके गया। दोनों पीछे ऑल्ट्रेशन हुए, थोड़ा गड़बड़ हुए तो उधर ये फहीम मोहम्मद आतिक को ऊपर अटैक किया। अटैक किए तो सिर के ऊपर थोड़ा इंजर हुए, उधर से नीचे गिर गए वो मोहम्मद आतिक। बाद में उधर भी मार के खून किया, इसको आज अरेस्ट किया, अदालत में पेश किया कर रहे। इसके ऊपर रोडी शीट नहीं है, अभी रोडी शीट ओपन कर, बाकी केस भी नहीं है, ये पहले केस है। थैंक यू।